अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है सबको। उम्मीद करती हूँ कि सब हैरियत से होंगे। वेलकम टू पिज़्ज़ास किचन। आज हम पिज़्ज़ास किचन में आपके साथ मैं जो रेसिपी शेयर करने लगी हूँ वो है जी टूटी फूटी। टूटी फूटी ये बनती है तरबूज के छिलकों से, जो कि बहुत ही आसान है और बहुत सी रेसिपी स्वीट डिशेज़ में इस्तेमाल होती है। कि ज़रदा बना लो, मतंजन, केक, कप केक, आइसक्रीम, इन सब में इस्तेमाल होती है। तो ये बनती है वाटरमेलन के छिलकों से, और ये है तकरीबन वाटरमेलन के छिलके आधा किलो के करीब हैं, और इसमें चीनी जाएगी 1 पाव और कुछ इसमें जाएंगे 4 कलर्स। तो चलें फिर आज की रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। देखिए इस तरह आप कटर की मदद से किसी भी या फिर किसी नाइफ के आप काट लें सारे पार्ट को, ग्रीन वाले को। बहुत इजी है ये बनाना। पार्ट इसका सारा क्लियर हो गया, इसी तरह ही हम रेड वाला जो वो सारा क्लियर कर लेंगे। कटिंग बोर्ड पर रखते हैं या आप वैसे ही काट लें जिस तरह आपको इजी लगता है। क्यूब शेप में सारे काट लें जिस साइज के आपको चाहिए। वैसे तो टूटी फ्रूटी छोटे ही साइज में ही अच्छे लगते हैं। इस साइज के इसी तरह मैं सारे कर रही हूँ कट, फिर मैं आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट स्टेप। तो मैंने अब एक पैन रख लिया और उसके नीचे फ्लेम ऑन कर दूंगी और पानी ऐड करूंगी इसके अंदर। पानी डालने के साथ ही मैं इसके अंदर जो हमने वाटरमेलन के ये काट लिया जो काटे हैं फुलके वगैरह ये डाल दें। अब ये छिलके तो टूटी फूटी बन जाएंगे, टूटी फूटी ही ये अभी हमने पकने के लिए रख लेंगे। जब एक बॉयल आएगा, एक बॉयल आने के बाद तकरीबन हम इसे 10 मिनट तक ऐसे ही छोड़ देंगे पकने के लिए। तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं टूटी फूटी को पकते हुए। देखिए इनका कलर जो है वो ट्रांसपेरेंट सा हो गया। अब इस पॉइंट पे आके मैं इसके अंदर चीनी ऐड कर दूंगी। और चीनी डालने के बाद इसे मैं चीनी देखें 1 पाव जो मैंने आपको बताई है वो इसके अंदर मैंने डाल दिया। अब इसे मैं तकरीबन 10 मिनट और इसी चीनी के साथ पकाऊंगी। चलिए मैं इसे फिर 10 मिनट तक पकाती हूँ, फिर आपको इसका अगला स्टेप बताती हूँ। अब चीनी डालने के बाद इसे हमने तकरीबन 10 मिनट तक पकाया चीनी के साथ ही, और अब इसे हम कलर करने लगे हैं। फ्लेम मैं ऑफ कर दूंगी। यहाँ पर अब मैंने 5 बाउल ले लिए और उसमें ये टूटी फूटी ऐड करूँगी जो हम बना रहे हैं, अभी कंप्लीट नहीं हुई। इसको हम अब कलर करने लगे हैं। एक और बाउल लेती हूँ इधर मैं।
पर मैं करने लगी हूँ, सबसे पहले पिंक कलर करूँगी। और जो चम्मच हम एक इस्तेमाल कर लेंगे वो हमने दूसरे के लिए कलर के लिए इस्तेमाल नहीं करना, या फिर वॉश पे नहीं या फिर दूसरा इस्तेमाल करें। देखिए पिंक कलर हमारा हो गया। इसी तरह मैं नेक्स्ट है जो ऑरेंज कर रही हूँ। ऑरेंज भी हो गया हमारा। नेक्स्ट हम अब रेड कलर कर रहे हैं। नेक्स्ट हम कर रहे हैं ग्रीन कलर। कितने अच्छे कलर आ रहे हैं। फिर हम करेंगे येलो कलर। और एक हम ऐसे ही छोड़ देंगे इसका नेचुरल कलर ऐसे ही, जिससे हमारे पास कलर्स हो जाएंगे 6। चलिए अब इसे मैं इन सभी कलर्स को ऐसे ही रख दूंगी ढक के तकरीबन 1.5 से 2 घंटे के लिए। 1.5 से 2 घंटे के बाद फिर मैं आपको अगला स्टेप है जो इसका वो बताती हूँ। 2 घंटे के बाद इन्हें हम अलग अलग किसी बर्तन में खुश करने के लिए निकाल लेंगे। दो घंटे हो गए इन्हें मैंने ऐसे ही कवर करके रख दिया हुआ था। जैसे पिंक ग्रीन येलो सभी डाल देंगे। अब आगे इसके ग्रीन डाल देंगे। एक के ऊपर इन्हें के कलर नहीं पर चलना चाहिए, दूसरे का अलग अलग ही होना चाहिए। इतना अलग अलग करती हूँ मैं। अब आगे वाली भी ऐसे ही कर रही हूँ। बाकी की कलर नहीं हमारा मिक्स होना चाहिए। मैंने इसको कहीं एक देखे ये जान रखा।
सारी कजन्स को जो मैंने लदे कर ली टूटी फूटी को मैं कवर करके रख दूँगी। एक रात के लिए सुबह अब हम इन्हें देखेंगे कि जी के तब तक ये ड्राई हो जाएंगी। चलिए फिर सुबह मैं आपको दिखाती हूँ। इसे अब हमने रात पूरी ऐसे ही रख देना। जी अब टूटी फूटी को मैंने पूरी एक रात रखा था और रात रखने के बाद तकरीबन इसे मैंने 2-3 घंटे भी रखा है धूप में और तब जाकर ये देखें ये प्रॉपर तरीके से ड्राई हो गई हैं और कलर देखें इनका कोई भी है जो वो एक दूसरे को नहीं आया। ये देखें सभी ड्राई हैं। बेशक अब आप इन्हें मिक्स कर लें या फिर इन्हें ऐसे ही किसी अलग-अलग ही 8-8 कंटेनर में डाल के आप सेव कर सकते हैं। तकरीबन ये 6 से 7 माह आप इसे रखें तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप इसे किसी भी स्वीट डिश में डालें, आइसक्रीम, केक वगैरह, जर्दा, मतंजन किसी में भी डालें। टूटी फूटी हमारी तैयार है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अब आप इसे डिशेज में डालें। ओके जी, मेरी वीडियोज़ अगर आपको पसंद आ रही हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर करें। दुआओं में याद रखिएगा। ओके जी, नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।